हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मेडिकोज मंत्रा। दिस इज़ इमरान। आज के इस वीडियो में बात करेंगे UPIOS काउंसलिंग चॉइस फिलिंग ऑर्डर के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि UPIOS काउंसलिंग चॉइस फिलिंग ऑर्डर से रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए। आपको बता दें, UPIOS काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल और ब्रोचर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फुल शेड्यूल और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो में मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर के बारे में बात करने वाला हूं। चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बता रहा हूं आप वैसा ही रखें। आपको बता दें, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, तभी चॉइस फिलिंग प्रोसेस आपको समझ में आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो गलती से भी कोई प्राइवेट कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है, अदरवाइज वो प्राइवेट कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। और चॉइस लॉक करने से पहले आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लें कि केवल आपने गवर्नमेंट कॉलेज फिल किए हैं या नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात और, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल BUMS यानी यूनानी ही करना चाहते हैं, उन्हें BUMS यानी यूनानी के अलावा कोई दूसरा कोर्स नहीं करना। तो ऐसी कंडीशन में उन सभी कैंडिडेट्स को मैं एडवाइस करना चाहूँगा, उनको केवल चॉइस फिलिंग में यूनानी के कॉलेज ही फिल करने चाहिए। तो आइए चॉइस फिलिंग ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयुर्वेदिक कॉलेजेस को प्रेफरेंस देते हैं। तो फर्स्ट पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, फिर सेकंड पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, थर्ड पे आएगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज प्रयागराज, फोर्थ पे आएगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली, फिफ्थ पे आएगा आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी, सिक्स्थ पे आएगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत, सेवन्थ पे आएगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर और एट्थ पे आएगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा। तो इस तरह से आयुर्वेदिक कॉलेज हो गए। और आयुर्वेदिक के बाद हम यूनानी के कॉलेजेस को प्रेफरेंस देंगे। तो नाइन्थ नंबर पर रखेंगे गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ। तो इस तरह से यूनानी के कॉलेज में प्रेफरेंस ऑर्डर आपका एक हो गया। और फिर सेकंड नंबर पर, इंटेंस नंबर पर आपका आएगा गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। उसके बाद हम होम्योपैथी की कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालेंगे। तो होम्योपैथी की चॉइस फिलिंग ऑर्डर में आपका, तो 11th नंबर पर नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर BHMS का फर्स्ट हो गया। और 12th नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। तो इस तरह से इसका प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया होम्योपैथी के लिए सेकंड और ओवरऑल 12th। इसके बाद 13 पर है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। ये तीन कॉलेज की मेरिट लिस्ट थोड़ी सी हाई जाती है, क्योंकि इन तीनों कॉलेज को सभी कैंडिडेट्स प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले डालते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूँगा, इन दो या तीन कॉलेज के बाद यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसे में आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, आप अपने घर से कम डिस्टेंस वाला कॉलेज चूज़ करें। अदरवाइज सेकेंड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़र लेते हैं अपने घर से कम डिस्टेंस वाले कॉलेज में ही। तो ऐसे में आप पहले से ही चॉइस फिलिंग में ऐसे कॉलेज डालिए जो आपको कम डिस्टेंस में ही अलॉट हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट यूपी के सभी कॉलेज एक जैसे हैं। देन अगर आप यूपी ईस्ट से हैं तो इन तीन कॉलेजेस के बाद आपको यूपी ईस्ट वाले कॉलेज को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना है। उसके बाद आप दूसरे कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालेंगे। सेम इसी तरह अगर आप यूपी वेस्ट से हैं तो इन तीन कॉलेजेस के बाद आपको यूपी वेस्ट वाले कॉलेज को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना है, देन उसके बाद अदर कॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी ईस्ट के लिए। BHMS के इन तीन कॉलेजेस के बाद यानी कानपुर के बाद मैं 14th नंबर पर रखूँगा गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, फिर 15th पर रहेगा गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, फिर 16th पर रहेगा गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, फिर 17th पर रहेगा गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अयोध्या, और 18th पर रहेगा गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, और 19th पर रहेगा गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। तो ये यूपी ईस्ट वालों के लिए हो गया। अगर आप यूपी वेस्ट से हैं तो जैसा कि मैंने कहा आपको वेस्ट, यूपी वेस्ट के कॉलेज को लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर के बाद प्रायोरिटी देनी है। तो 14th नंबर पर आपका आएगा स्टेट KG के गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, फिर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, और 16th नंबर पर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, और फिर 17th नंबर पर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, और 18th नंबर पर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, और फिर लास्ट में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अयोध्या।
एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपके नीट में कम मार्क्स हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए केवल काउंसलिंग करा रहे हैं, तो जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट के अवेलेबल उन सभी को आपको चॉइस फिलिंग में जरूर डालना चाहिए। टोटल 19 कॉलेज हैं यूनानी को मिला करके, अगर आप यूनानी के लिए काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं तो यूनानी के कॉलेज को छोड़ करके टोटल आयुर्वेदा और होम्योपैथी के 17 कॉलेज हैं, तो इन सभी 17 कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग में जरूर डालना चाहिए। तो ये रही यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड चॉइस फिलिंग ऑर्डर पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।